प्रधानमंत्री मोदी ने रच दिया इतिहास, 3 राज्यों की चुनावी रण में दर्ज किया भारी बहुमत, अब विपक्षी की कुर्सी खतरे में, बीजेपी ने दर्ज किया हैट्रिक जीत। राजस्थान की बुलडोजर बाबा ने कर दिया बड़ा खेल, विरोधियों को दिया पटखनी, योगी बाबा की चाल हो गई सफल, सीएम पद के लिए बाबा बालकनाथ नए दावेदार। मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए कर दिया दावेदारी मजबूत, मोदी हुए नतमस्तक जनता के सामने, मिला सबका साथ सबका विकास, मोदी की गारंटी 100% गारंटी। द पब्लिक मैटर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल दिया इतिहास, भारत में एक साथ हुए 4 राज्यों के चुनावी नतीजों में 3 राज्यों में हुए सफल, विपक्षी को दिया करारा जवाब, चुनावी रण में आखिर बीजेपी का मिला सबका साथ। बता दें बीते दिन भारत के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे निकले, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना राज्य शामिल रहे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से विजय घोषित हुए हैं। वहीं कांग्रेस तेलंगाना में जीत हासिल करने में सफल हुई है, कांग्रेस पहली बार तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। और अगर बात की जाए बीजेपी की इन विजय राज्यों की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जीत के बाद भाजपा कार्यालय पहुंचे और जनता के सामने नतमस्तक होकर भारत माता की जय जयकार के साथ कहा, आज विजय अद्भुत है। मोदी ने इन 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक के साथ 2024 लोकसभा के चुनाव में भी हैट्रिक की गारंटी को मजबूत कर दिया है। बता दे भाजपा कार्यालय में पीएम मोदी अपनी भाषण में कहते हैं कि आज भी मेरे मन में यही भाव है कि मैं अपनी माता बहनों एवं बेटियों, युवा साथियों और किसान भाइयों के सामने जिन्होंने मुझे बढ़ चढ़कर समर्थन किया, उसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक रहूं। मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिश हुई, इसलिए मैं कहता हूं कि 4 जातियां ही सबसे बड़ी हैं। इनमें नारी शक्ति, युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार की जातियों को संरक्षण करने से ही विकास संभव है। बता दे मोदी पहली बार वोट देने वाले वोटरों के लिए भी कहा कि आज हर एक व्यक्ति जो पहली बार वोट दिया है, वह भी गर्व से कह रहा है कि वह खुद जीता है। इस जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है, इस जीत में बेहतर भविष्य का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। बताते चले प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि मैं आज पूरी विनम्रता से कहता हूं कि भाजपा ने आपसे जो वादे किए हैं, वह 100% पूरे किए जाएंगे। यह मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। अगर बात की जाए बीजेपी की इन 3 राज्यों में बम्पर जीत की, तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश शामिल है। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटों में भाजपा ने 161 सीटों पर कब्जा किया है, वहीं कांग्रेस ने सिर्फ 62 सीटों पर कब्जा कर पाई है और इनमें कुछ अन्य पार्टियों की सीटें भी शामिल है। वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए, तो राजस्थान में दूसरे योगी आदित्यनाथ के नाम से जाने जाने वाले बाबा बालकनाथ और सांसद राजकुमारी दिया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शानदार जीत दर्ज किया और अपने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बता दे राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों में भाजपा ने 115 सीटों पर जीत दर्ज किया, जबकि 69 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। साथ ही इनमें कुछ अन्य पार्टियों की सीटें भी शामिल है। चुनाव से पहले बुलडोजर बाबा तिजारा में बाबा बालकनाथ को समर्थन करने के लिए गए थे और उनकी यहां चाल कामयाब हो गई। बाबा बालकनाथ की विरोधी इमरान खान को भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा है और अब राजस्थान में दूसरे योगी को मुख्यमंत्री पद के लिए देखा जा रहा है। दोस्तों द पब्लिक मैटर को अगर फेसबुक में देख रहे हो तो चैनल को फॉलो करें, अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें।